के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए रामायण का प्रोग्राम सलोचना सती सुनाने के लिए जा रहा हूं। उस समय की बात है जिस समय सलोचना महलों में सो रही है। इधर जब सुबह हुआ तो जैसे ही उठी है तो उसने अशगुन रखे हैं और अशगुनों को देख करके बहुत व्याकुल होती है और क्या कहने लगी है। हाय विधाता, ये हाल क्या है? हाय विधाता, ये हाल क्या है? उस समय दासी के शब्द सुने हैं। सलोचना कहने लगी, बहना आज रात्रि में जो मैंने सपना देखा है उसमें क्या बताऊं। दासी कहने लगी, आखिर क्या देखा है? तो क्या कह रही है भैया? अरे मैंने सपनों देखो राती, अरे मैंने सपनों देखो री राती, लंकु पे कूद सारी च
सपने देखे हैं और देख तो कहा बताऊं तो क्या कह रही बंदो सपने को हालो पहना के लक्ष्मण ने मारा है, मैंने स्वप्न देखा है और मेरे पति को वो मार सकता है जो कि 12 वर्ष नींद और भोजन व स्त्री का त्याग करे, वो मेरे पति का वध कर सकता है, वरना किसी की ताकत नहीं है। पागल हो रही है, अरे सपना कहीं साचे नहीं हुआ करते हैं। दासी
मुझ पे नहीं रहा जाता है, जाओ महलों में झाड़ू लगा के आओ। तो आज मेरे प्रिय बंधुओ, इधर जो झाड़ू लगाने गई है दासी, तो क्या देखा कि आंगन में और भुजा पड़ी है। उस भुजा को देख करके दासी उन्हीं पान लौट आती है और कहा कि महारानी जी, आपके महलों में और भुजा पड़ी हुई है, वो खून से लिपट रही है। जो ही ये सुना है, दौड़ के सलोचना भुजा के पास पहुंच जाती है बंधु और भुजा को देखा है तो कहा कि हे दासी, जरा इसे पलट तो सही। दासी ने कहा कि मैं नहीं इसको छू सकती हूं। क्यों? शायद कोई टोटका तो ना करेगो, तुम ही क्यों ना छू लो। उस समय सलोचना कहने लगी, सुनो, मैं छू तो सकती हूं लेकिन इसमें संदेह है। वो कौन सा? अरे संभव है नारी परीक्षा का, संभव है नारी परीक्षा का, पति ने ये खेल रचाया हो। क्या होगा? कहा कि बहन, इसलिए शीघ्रता करने में तन पर बट्टा ये आएगा, तप जाएगा, यस जाएगा, प्रिय पतिव्रता धर्म भी चला जाएगा, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा सकती। यदि मेरे पति की भुजा है तो एक काम कर दे दासी, तू खड़िया दबात ले आ और मेरे इस भुजा के हाथ में दे दे। ऐसा ही किया बंधुओं, कलम दबात आज भुजा के समीप रख दी है और वो भुजा क्या लिख रही है? ये भुजा है मेरी प्राण प्रिय, ये भुजा है मेरी प्राण प्रिय, लक्ष्मण ने यहां पठाई है। स्वामी, ये क्या किया आपने पिया?
से सलोचना विलाप कर रही है और कहने लगी, हे स्वामी, आपने मेरे साथ ये धोखा किया। और क्या बोलिए, अरे पहले की भांति नाथ तुमने और कुछ भेद न अपना बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहां और वहां युद्ध जय करवाया। सज्जनों, इस प्रकार से आज कहने लगी, हे भगवान, किसी नारी को दिखलाए न दुख ये तापे का, सारे दुखों से बढ़कर है केवल ये दुख रड़ापे का। बहना, इस बाली उम्र को बिगर पिया की मैं कैसे काटूंगी, ओ मारी मेरी कैसे कटे रे बाली, ओ खुरे न दूध के we
अपने ससुर रावण के पास में जा रही हूं और क्या सोचती जा रही है रास्ता में। धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहां गए,
सकती हूँ। रावण के दरबार में पहुंची है तो जब जाकर के पता चला है तो मंत्री ने जब कहा है कि सरकार आपकी पुत्र वधु सुलोचना आपके दरबार में आना चाहती है, हंस करके रावण कहने लगा कौन हमारी पुत्र वधु सुलोचना, उन्हें आदर के साथ बुलाया जाए। आज जाकर के अपने पिता को प्रणाम किया और कहने लगे कहो कैसे आई हो। हे पिताजी, हम ये सुख की जगह और दुख भोग रहे हैं, ऐसा क्या है, अच्छा नहीं है पिताजी। तो क्या बोली है, पिताजी मोई धीर बंधे ना, हो पिताजी मोई धीर बंधे ना, मारे गए
बस सिर्फ मेरा इतना कहा कर दो, पिताजी मेरी इतनी कहनी बजा दो और पति का आशीष मांग कर ला दो। मेरे पिता हो पति का आशीष मांग कर ला दो, पिताजी मुझे सती करा दो। माताजी सास दल में राम के भैया, सास दल में राम के मारे गए मेरे पति, सास दल में राम के
मेरे पद रामादल में वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं और ये भुजा महलों में आ गई। इसने मुझे लिख करके पूरा हाल बता दिया है। मैया अब मेरा जीना धिक्कार है। सासु लंका में नहीं रहूंगी मैया, सासु लंका में अब न रहूंगी। अरे ताने ना सहु जनी जनी के सासु लंका में नहीं रहूंगी। इस प्रकार से जो विनय सुनी है, इधर मेरे बंधुओं मंदोदरी भी बहुत लाचार थी बेचारी, अपने बेटे के दुख को जो घूट सा पी करके रह जाती है और कहने लगी, बेटी यदि तुम्हारी इच्छा यही है कि आपको सती होना है तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं और रामादल के लिए चली जाओ, अपने पद का शीश लेकर के और सती हो जाना। आज सरोचना कहने लगी, मैया मैं जा तो रही हूं लेकिन मेरा श्रृंगार बना दो। और कैसा श्रृंगार बंधुआ, सती का श्रृंगार किस प्रकार से हो रहा है सुनो। सास मेरो कर दे सब श्रृंगार री, हमें फिर नहीं आने की। डोरा हाथ
छड़े बिंद मेरी पायल की जनता, ओ छड़े छड़े बंद मेरी पायल की जनता, अरे मेरो लटकन देख बहार री में फिर नहीं आने की। शायद रावण की समझ में आ गया तो सीता जी को वापस करने आ रहे हैं। जब देखा है डोले में से उतर के चली है तो बंधुओं सलोचना को देखा और विभीषण जी ने जाकर के बताया, प्रभु आपके शरण में पुत्र वधु सलोचना आना चाहती है। तो जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा, स्वामी मैं अपने पद का सिर लेने के लिए आई हूं और मैं सती होना चाहती हूं। उस समय बंदर भालू कहने लगे, हे प्रभु हमें कैसे पता चलेगा ये सती हो रही है कि ये वैसे ही है। तो बंधुओं अंगद से कहलवा करके उन्होंने और मेघनाथ का सिर सलोचना के हाथ में दिलवा दिया और कहा कि हे बेटी अपने सतीत को बताइए तुम सती कैसे होना चाहती हो। तो उस समय सिर को लेकर के सलोचना और कहने लगी, हे पिया यदि मैं ऐसा जानती कि तुम रामा दल में मारे जाओगे तो मैं अपने
पिता शेषनाग को बुलवा लेती तुम्हारी सहायता के लिए। इतने में सिर एकदम से हंसा बड़ी जोर से बंदू, तो सब बंदर भालू घबरा जाते, चौक पड़े, कहने लगे प्रभु ये सिर क्यों हंसा। भगवान कहने लगे सुनो, ये सिर यूं हंसा कि जब सुलोचना ने ये कहा कि तुम्हारी सहायता के लिए अपने पिता शेषनाग को बुलवा ले, अरे बाबरी शेष के अवतार तो ये लक्ष्मण जी हैं। बंधुओं इस प्रकार से सतत को दिखा दिया है और लक्ष्मण को आज्ञा दे दी उन्होंने, और हनुमान जी जाइए इनको सती करा दो समुद्र के किनारे। तो क्या हुआ भैया? अरे समुद्र पे जाकर के भैया चंदन की चिता बनाई है।